पुलिस परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गैंग को एसटीएफ ने धर दबोचा। फॉर्च्यूनर से झांसी आए थे दो आरोपी पकड़े गए। पेपर पढ़ाने का 8 लाख में था सौदा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो झांसी में शुक्रवार शाम को नोएडा एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने की फिराक में घूम रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, 3 मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। एक गैंग पेपर लीक कर पढ़वाने की एवज में अभ्यर्थियों से 8 लाख रुपए का सौदा कर रहा था। एक आरोपी शामली और दूसरा बिहार का रहने वाला है। गैंग के कई साथी अभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एसटीएफ के अनुसार 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसमें धांधली और फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के संबंध में सूचना मिल रही थी कि 15 फरवरी को नोएडा एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि शामली की गढ़ी रामकौर गांव निवासी मोनू कुमार पुत्र मंगेराम पेपर लीक कराकर परीक्षार्थियों से पैसा लेकर उनको पेपर पढ़वाने के लिए झांसी पुलिस लाइन के सामने से होकर निकलेगा। तब एसटीएफ झांसी पहुंच गई और आज दोपहर 3:30 पर पुलिस लाइन की चेकिंग कर रही थी। दो गाड़ी में दो आरोपी आए। घेराबंदी करके एसटीएफ ने मोनू कुमार उर्फ मोनू गुर्जर और बिहार के नालंदा निवासी रजनीश रंजन पुत्र राजेंद्र को अरेस्ट कर लिया। दोनों आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। एक गैंग पेपर पढ़ाने के बदले परीक्षार्थियों से 8 लाख रुपए ले रहा था। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।